कक्षा 10वीं गणित। मैं आरएस प्रसाद सर आज समांतर श्रेणी का दूसरा भाग शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, ये दिया हुआ आपके सामने। समांतर श्रेणी 5, 1, -3 के 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें ए का मान जो दिया हुआ है वो 5 है और डी का मान निकाल लेते हैं, 1 में से 5 घटा देंगे तो ये -4 बच जाएगा। डी निकल गया, 17 पदों का निकालना है तो एन 17 दिए हुए हैं। चलिए योगफल का सूत्र लगा लेते हैं। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। इस सूत्र में मान रख देते हैं, तो n का मान 17 है, 17/2 हो जाएगा 2a, a का मान 5 है प्लस n का मान फिर 17 है -1 और d का मान -4 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे -4, ये हो जाएगा 17/2, 5 × 10 हो गया और ये प्लस का 16 हो जाएगा, 16 × -4 17/2, ये 10 हो गया, माइनस का 16 × 64 तो कितना बच जाएगा, 17/2 हो जाएगा और ये जो भी कुछ बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस का 5 और 4 54 बच जाएगा। अब ये 2 से काट दीजिए, 2 × 4 2 × 7 = 14 तो ये हो गया 17 × 27, ये माइनस का था तो माइनस का 27 होगा और ये जो भी कुछ आएगा माइनस में आएगा। जरा इसकी गुणा करके देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है, ये है 27, इसकी गुणा 17 से कर देते हैं, 7 × 7 = 49 4 हो जाएगा और 7 × 14 = 4 = 18 और 1 से करेंगे तो ये 27 ही रहेगा, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, 8 × 7 = 15 5, 3 और 1 = 4 तो 4, 5, 9 आ जाएगा, तो 4, 5, 9 ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, 20वां पद ज्ञात करना है। प्रथम 14 पदों का योगफल यानी S14 दिया हुआ है 1050 और प्रथम पद 10 है यानी A का मान 10 दिया हुआ है और 20वां पद ज्ञात कीजिए यानी T20 ज्ञात करना है। देखते हैं फिर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र लगा लेते हैं, SN का सूत्र होता है n/2 2a + n-1 × d। तो SN तो दिया है 1050 और N का मान 14 है, 2 हो गया, 2a, a का मान 10 है प्लस ये हो जाएगा 14 - 1 और इंटू डी, डी का मान नहीं हमें पता तो डी का मान इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 7 इधर आ जाएगा 1050 और ये 7 हो जाएगा और बराबर ये कितना हो गया 20 + 13 d। 7 से काटिए तो 7 × 7 7×5 = 35 ये 150 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 - 20 = 13 d। घटा दीजिए जरा कितना बचेगा, 130 = 13 d आ जाएगा, तो d का मान निकल जाएगा 130/13 13 × 10 = 30 यानी d का मान 10 आ गया है। अब हमारा सब कुछ निकल जाएगा, Tn का सूत्र लगा दीजिए। अब n का मान जो है 20 दिया हुआ है, Tn का सूत्र लगा दीजिए, a + n-1 × d हो जाएगा। तो T20 निकालना है, a का मान हमारे पास कितना है 10 है, ये दिया हुआ है 10 यहाँ पर और प्लस n का मान अब 20 हो गया है -1, d का मान अभी निकाला जो कि 10 के बराबर है तो 10 यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 बचेगा और गुणा 10 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 190 आ जाएगा और ये 190 और 10 200 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं 100 और 200 के बीच में विषम संख्याएं कौन सी होती थी। ये 101 से ही स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद
103 हो जाएगा और ये चलते हुए लास्ट में 199, क्योंकि ये सम संख्या है, इससे पहले वाली भी सम संख्या होगी। इसमें ए का मान जो है वो आ गया आपका 101 और डी का मान जो हो गया वो 103 माइनस 101 यानी कि 2 हो जाएगा और अंतिम पद ये हो गया 199। इसको हम एल भी कह सकते हैं, तो पहले हमें एन का पता होना चाहिए, इसको हम एल बराबर भी बोल सकते हैं 199। चलिए देखते हैं इसमें पदों की संख्या कैसे निकलती है, तो टी एन का सूत्र लगा देंगे। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का मान जो है 199 दिया हुआ है, ए का मान 101 है, प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान 2 है, तो 199 माइनस 101 बराबर कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू टू हो जाएगा। अब ये घटा के देखते हैं, 9 में से 1 गया 8 बच गया और ये 9 का 9 ही रहेगा, 1 में से 1 गया कट जाएगा और ये बटे में 2 और आ जाएगा तो ये एन माइनस वन हो जाएगा। काट देते हैं, 2 चौक 8 और 2 ने 18, तो एन माइनस वन बराबर हो गया 49, तो एन बराबर हो गया 49 प्लस 1 यानी कि 50 हो गया। अब जो है योगफल का सूत्र लगा देंगे एस एन। एस एन का हमारे पास एक सूत्र और है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, एन बाई टू और ए प्लस एल। चलिए देखते हैं एन का मान कितना हो गया, 50 हो गया है, तो 50 बटे 2, ए का मान 101 है ये, और एल जो है वो ये 199 था, तो 199। जब देखते हैं क्या बचेगा, ये 50 बटे 2 जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10 हो जाएगा और 1 और 1 2 और 1 ये 3 आ जाएगा। काट दीजिए इसको, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 150 आ गया और 15 पचे 75 हो गया और 00 और आएगी, ये इसका उत्तर हो गया। समांतर श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा। चलो देखते हैं, 17 में ए तो 17 ही हो गया और योगफल का मान दिया है यानी एस एन का मान 72 दिया हुआ है। डी का मान हम निकाल सकते हैं 15 माइनस 17 करके, इसमें से ये घटा देंगे तो ये माइनस का 2 आ गया। अब इसमें सूत्र लगाते हैं कि एस एन बराबर है एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान दिया हुआ है 72, एन का मान हमें निकालना है 2 ए, का मान है 17 प्लस एन निकालना है माइनस 1 और डी का मान माइनस 2 है। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। अब ये 72 है बराबर एन बटे 2 है, जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये 17 दूनी 34 हो गया और माइनस का इसमें अंदर गुणा कर दिए तो माइनस का 2n हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। देखते हैं क्या बचता है, 72 बराबर एन बटे 2 और ये 34 और प्लस 2 36 हो गया, 36 माइनस 2n, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2n बटे 2 हो जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, 18 माइनस n बच जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ 72 चल रहा है इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 72 बराबर हो जाएगा 18n माइनस का n स्क्वायर, और सबको इधर ले चलते हैं, n स्क्वायर माइनस का 18n और प्लस का 72 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर जाके पता चलेगा कितना होता है इसका, तो गुणनखंड करना चालू करिए। इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 12 6 72 हो जाएगा, जो कि हम इसमें देखेंगे भी 12 6 72 कैसे लगता है, तो ये हो जाएगा एन का स्क्वायर माइनस, मैंने बताया अभी 12 प्लस 6 हो जाएगा 12 6 72 और एन और प्लस का ये 72 है बराबर 0, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 12n माइनस का 6n प्लस का 72 बराबर 0। इसमें से n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 12 बच जाएगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 बच जाएगा बराबर 0। अब n माइनस 12 यहाँ आ गया और यहाँ बच गया n माइनस 6 बराबर 0, इसमें अलग से लेंगे। यदि एन माइनस 6 बराबर 0 तो एन का मान कितना हो जाएगा, 6, एक आंसर आ चुका है। एक दूसरा भी दिया है, यदि एन माइनस 12 बराबर 0 तो एन का मान 12 हो जाएगा, ये 2 आंसर आ रहे हैं इसके, इसका मतलब 6 के बाद जो बाकी 6 पद आएंगे उन सब का योगफल 0 हो जाएगा, इसलिए इसके 2 उत्तर आ रहे हैं। विद्यार्थी ने प्रदूषण कम करने के लिए विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर लगाने के बारे में सोचा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का
वर्ग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए पहली कक्षा का एक वर्ग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक वर्ग दो पेड़ लगाएगा और इत्यादि करके ऐसा करके कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। और प्रत्येक कक्षा के 3 वर्ग हैं, इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या बतानी है। मतलब ये देखनी है कि पहले वाले ने 3 पेड़ लगाया, फिर दूसरे वाले ने भी 3 लगाया, फिर तीसरे वाले ने भी 3 लगाया, चौथे वाले ने भी 3 लगाया, ऐसे चलते हुए लास्ट में जो है वो 12वें वाले ने भी 3 पेड़ लगाया। जरा देखते हैं इसमें क्या होगा। अब ये जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा और चलते ही 12 तिया 36 हो जाएगा लास्ट में। चलिए इसमें देखो सब में अंतर समान चल रहा है इसलिए समांतर श्रेणी चल रही है। तो ए का मान 3 हो गया और डी का मान जो हो गया 9 माइनस 6 करके 3 आ जाएगा ये। और अंतिम पद यानी टी एन बराबर 36 है, इसको हम एल बराबर भी 36 कहेंगे। अब सीधे एसएन का सूत्र लगा देते हैं। इसमें पदों की संख्या जो है वो 12 हुई तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू और ए प्लस एल। देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। एन का मान कितना है हमारे पास 12 है तो 12/2, ए का मान कितना है 3 और ये 36 हो गया तो ये काट देंगे तो 6 आ जाएगा। तो एसएन का जो सूत्र आ गया कितना आ गया, ये 6 गुणा कितना हो गया, ये 36 और 3 39 गुणा कर लेते हैं, 6 9 54 को 4 हासिल 5 और 6 3 18 और 5 23 इतने पेड़ लगे हुए हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पल आकृति बनाई गई है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई बतानी है। मतलब ये सर्कल बने हुए आधे आधे बने हुए हैं तो सबकी लंबाई कुल लंबाई बतानी है। तो जोड़ लेते हैं लंबाई को, तो ये L1 प्लस L2 प्लस L3 और ये चलते चलते 13 तक हैं तो L13 दे रहे हैं। अब इसमें अर्धवृत्त का जो सूत्र होता है, अर्ध परिमाप इसमें चलना है, तो अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर। तो लगा लेते हैं तो हर एक में लग जाएगा सूत्र इसमें पाई और आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। ऐसे फिर पाई आ जाएगा और आर का मान कितना दिया हुआ है 1.0, फिर प्लस हो जाएगा पाई आ जाएगा और फिर आर का मान कितना दिया है 1.5, अब फिर प्लस पाई हो जाएगा और आर का मान कितना दिया है 2 दिया है और ये चलते रहेंगे कहाँ तक, 13 पदों तक। चलिए देखते हैं इसमें से पाई गुणा 0.5 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये 13 तक चलेगा तो यहाँ 13 आ जाएगा लास्ट में। तो कुल मिलाकर के इसका सूत्र लगा देते हैं 13 पदों का, तो ये तो पाई रहने दीजिए, इसको 0.5 ही रहने दीजिए। इसका सूत्र जो लगता है एन बाई टू वाला लगता है, जरा लगाते हैं एन बाई टू वाला, तो n बाई टू हो जाएगा और a प्लस l वाला लगाना है सूत्र। लगा देते हैं जरा पाई इंटू 0.5, n का मान 13 हो गया, 13/2 हो गया और a का मान जो है वो 1 हो गया और l का मान 13 हो गया। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, पाई गुणा 0.5 ये 13/2 हो गया और ये 14 हो गया, तो 2 × 7 = 14। अब पाई का मान भी 22/7 रख दीजिए, 0.5 है और गुणा 13 है और गुणा 7 है तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो कुल लंबाई हमारे सामने आ गई है, एक तो 11 है और गुणा में 13 है। अब जरा इनकी गुणा कर लेते हैं तो 11 × 3 = 33, 11 × 11 और 3 = 14 इतने सेंटीमीटर कुल लंबाई होगी, तो ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले दिया हुआ 9, 12, 15, 16 पदों तक, इसमें ए का मान जो है वो 9 दिया हुआ है, डी का मान निकाल लेंगे 12 - 9, इसमें से ये घटाना होता है तो ये कुल मिला करके 3 बच जाएगा। और इसमें 16 पदों तक कहा है तो एन बराबर 16 दिया हुआ है, तो इसमें एस एन का सूत्र लगाना है, सीधा सूत्र है,
एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए मान रख लेते हैं इसमें, अब हम ये ए दिया हुआ है तो एन बाई टू, एन का मान है 16/2, टू ए का मान है 9 प्लस एन का मान 16 माइनस 1, और डी का मान जो दिया हुआ है वो 3 है। देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 से काटिए इसको, 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 8 प्लस 9 दुनिया 18 और प्लस ये बच जाएगा 15, 15 तिया 45, तो ये हो गया 8। इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर 8 से 8 3 24 का 4 हासिल 3, और 8 6 48 और 3 51, ये आंसर हो जाएगा। ये 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7 10.5 14 के कितने पद लेने होंगे, यानी n बताना है, यानी एस एन का मान आपके दिया है 1046.5, ए का मान जो दिया हुआ है ये 7 दिया हुआ है, और डी का मान हमें निकालना है, डी बराबर कितना हो जाएगा 10.5 और माइनस का 7, ज़रा देखते हैं कितना आ जाएगा, तो 10 × 20 और 1 21/2 हो जाएगा, माइनस का 7 लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 21 − 14 हो जाएगा, और 21 में से 14 गए, 7/2 बच जाएगा, तो डी का मान 7/2 है, इसको हम 3.5 भी बोल सकते हैं। तो एस एन का सूत्र लगाना है, अब एस एन बराबर होता है एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र लगाना है। तो एस एन दिया हुआ है 1046.5, ये दिया हुआ है आपको, और एन बाई टू, एन तो निकालना है, बाई टू तो रहने दीजिए ऐसे ही, ट्वाइस ऑफ ए, ए का मान है 7 प्लस एन तो फिर निकालना है, तो एन माइनस वन, और डी का मान जो है वो 3.5 है। देखते हैं ज़रा क्या हाल होगा इसका, तो 2 की इधर गुणा कर देते हैं, तो 2 की गुणा करने पर देखते हैं क्या आएगा, ये 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, और 2 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और 0 और 2 1 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n, और इसकी ज़रा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 14 और प्लस ये n माइनस वन इंटू, ये इसका पॉइंट अगर हटा देते हैं तो ये 35/10 हो जाएगा, ज़रा देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 × 10 और 5 7 35, 2 लघुत्तम लेकर के भी चलते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 2093, बराबर हो जाएगा कितना, n है इसका लघुत्तम लेने के लिए मैंने बात कही थी, तो 2 आ जाएगा लघुत्तम, तो यहाँ आ जाएगा 14 × 28, 28 + 7 एन माइनस 7, अब 2 की भी इधर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 की गुणा करके, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा ये, और बराबर ही कितना बच जाएगा, n है, और ये 7n प्लस का 28 में से घटा दीजिए, यानी 21 बच जाएगा, 21 बच गया इसमें से, 28 में से 7 गए, 21 बचेगा, तो इसमें से 7 कॉमन ले ले रहे हैं, तो 4 1 8 6 बराबर 7 हमने कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, n प्लस 3 बच जाएगा। चलो देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 8 6/7 आएगा, बराबर ये हो जाएगा n और n प्लस 3, देखते हैं काटते हैं कटता है ये क्या, काट देते हैं, 7 5 35 तो 5 आ जाएगा, 35 और बचेगा 6, और 61 हो जाएगा, तो देखते हैं यार ये जो आएगा 590 आ जाएगा, देखते हैं इसको 590 590, तो ये हो गया 590 बराबर एन स्क्वायर प्लस का 3n। अब इसको इधर चलते हैं, तो एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3n हो जाएगा और माइनस का 590, अब इसके करने हैं गुणनखंड। अब 598 को हम देखते हैं करके इसको कैसे होना है, तो ये है 598, इसको काटते हैं, 2 से काट लेते हैं पहले, 2 2 4
निम अट्ठारह, दो निम अट्ठारह, इसके बाद ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, तो कुल मिला करके ये, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 23, इसको माइनस करके देखो तो 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से फैक्टर। तो एन स्क्वायर प्लस 26 माइनस 23 और माइनस का यहाँ एन हो गया, माइनस का 598 बराबर 0 हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस 26 एन माइनस 23 एन माइनस का 598 बराबर 0। इसमें से एन कॉमन लिया तो एन प्लस 26 हो जाएगा और माइनस का 23 कॉमन लेंगे तो एन प्लस 26 हो जाएगा बराबर 0। तो एन प्लस 26 और एक बार एन माइनस 23 बराबर 0, तो ये हो जाएगा जब एन माइनस 23 बराबर 0, तो एन बराबर 23, 23 पद होंगे, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरी बार में जब एन प्लस 26 बराबर 0, तो एन बराबर माइनस 26, ये अमान्य हो गया, यही आंसर है आपका। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि इनका योगफल 78 हो जाए। चलो देखते हैं इसको कैसे योगफल इसका 78 हो रहा है। तो ए का मान जो है इसमें 24 दिया हुआ है, ये रम, इसके बाद डी का मान हम निकालते हैं तो 21, यानी इसमें से ये 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3। अब एन का मान तो निकालना है और एस एन दिया हुआ है 78। चलिए एस एन का सूत्र लगा दीजिए, एस एन बराबर एन बाई टू 2a+n-1 × d होता है। तो एस एन का मान ये 78 हो गया और एन का मान कितना है निकालना है, तो एन बाई टू हो गया और 2a का मान 24 है प्लस n-1 और d का मान -3 है, और देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। तो इसके इधर जाके गुणा हो जाएगी, 2 8 16 और 2 7 14 और 1 15 बराबर हो गया यहाँ n, 24 2 48 हो गया और माइनस का 3n और ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 156 बराबर n और ये 48 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ये। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, 48 और 3 51 और माइनस का 3n, इसमें से 156 3 कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा 17 तिया 51 और माइनस का n बच जाएगा, 3 से ही कटता है, 3 एकम 3 और ये 3 5 15, 3 2 6, तो ये 52 बराबर हो जाएगा, इसके अंदर गुणा कर दीजिए 17n हो जाएगा और माइनस का n स्क्वायर होगा, सबको इधर ले चलते हैं, एन स्क्वायर माइनस का 17n और प्लस का 52 बराबर 0, इसके गुणनखंड करने हैं तो 13 चौक 52 और 13 और 4 17 हो गया, तो गुणनखंड भी हो जाएंगे इसके, तो एन स्क्वायर माइनस का 17 13 चौक 52 यानी 13 प्लस 4 हो जाएगा और एन रहेगा यहाँ पे प्लस 52 बराबर 0, तो एन स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n और प्लस का 52 बराबर 0, तो यहाँ से n कॉमन हो गया, n माइनस 13 बच गया, माइनस का 4 कॉमन तो n माइनस 13 बच जाएगा बराबर 0, तो n माइनस 13 और इधर से n माइनस 4 बराबर 0, तो एक बार लेंगे जब n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर 4 यानी 4 ही पदों में इसका मान आ जाएगा 78। भाई एक आंसर तो यही हो गया, और दूसरा जो हो जाएगा जब एन माइनस 13 बराबर 0 तो एन बराबर 13, ये दूसरा आंसर है। ये दो आंसर इसलिए आ रहे हैं कि 14 के बाद जो पद आएंगे, 7 कितना आएंगे, 4 आगे पद पहले, तो 9 पद और बचेंगे, तो 9 पदों का योगफल खुद में शून्य होगा, इसलिए ये दोहरा उत्तर इसका आ रहा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 यानी ए का मान 1 आ गया, अंतिम पद 11 है यानी कि इसको TN या हम L भी कहते हैं, ये 11 है और योग 36 है यानी एस एन का मान 36 है, तो पदों की संख्या यानी एन बतानी है और सार्वांतर डी बताना है। चलिए देखते हैं दोनों के केस में क्या सूत्र है।
पहले हम एसएन का सूत्र लगा लेते हैं, डी भी तो नहीं पता है हमें, तो टीएन का ही सूत्र लगा लेते हैं। टीएन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टीएन दिया हुआ है 11, 11 और ए का मान 1 है, प्लस एन तो नहीं पता हमें, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी भी नहीं पता है, तो इधर आ जाएगा 11 माइनस 1 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। तो 11 में से 1 गया, कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, बराबर एन माइनस वन इंटू डी आ गया। इसका कुछ नंबर दे दीजिए, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम लगाते हैं एस एन का सूत्र। एस एन का सूत्र होता है एन बाई टू और साथ में ए प्लस एल। तो ये दिया हुआ है 36 और एन का मान नहीं पता हमें, एन बाई टू ए का मान लेकिन पता है और एल का मान भी हमें पता है 11। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 बराबर एन बाई टू और ये 11 और एक 12 और 2 छिंग 12 और 6 छिंग 36 हो जाएगा। तो एन का मान जो है वो 6 आ गया। एन का मान समीकरण 1 में रख दो, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, देखते हैं क्या होता है। यह है समीकरण नंबर 1, तो 10 बराबर हो जाएगा, एन का मान 6 आया, 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 5D। तो D का मान 10 बटे 5, 5 से कट जाएगा तो D का मान 2 आ जाएगा। ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। N बराबर 6 आया, ये भी एक आंसर है और D बराबर 2 आ गया। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, यानी A का मान 17 है, और अंतिम पद यानी TN या इसको L कह दीजिए, ये 350 है, और सारवंतर जो है वो भी दिया हुआ है आपका 9 है। इसमें कितने पद है यानी एन का मान बताना है और श्रेणी का योगफल क्या है एस एन भी बताना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम टी एन का सूत्र लग देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टी एन का मान जो है 350 है और ए का मान 17 है, प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना ही है और डी का मान हमें पता है 9 है। तो 350 माइनस का 17 बराबर हो गया एन माइनस वन और इंटू 9, ये घटा दीजिए, 10 में से 7 गए 3 बच गया, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ 3 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ 3 ही रहेगा, और यहाँ बटे में ये 9 आ जाएगा और बराबर आ गया n माइनस वन। देखो कटता है क्या, 3 3 9 और ये 1 1 1 आ जाएगा, फिर कट जाएगा ये 3 कम 3 और 3 3 9 2 11 3 7 21, तो ये n माइनस वन बराबर 37 आ गया। तो n का मान 37 प्लस 1 यानी के 38 आ गया, तो एक आंसर आपका आ गया। योगफल का सूत्र और लगाना है, तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू और ए प्लस एल, क्योंकि अंतिम पद इसमें पता है हमें। तो एन का मान तो अभी निकाला हमने 38 है और बटे में 2 हो गया, ए का मान कितना है 17 है और एल का मान है 350, तो कर लेते हैं, ये काटेंगे तो 19 आ जाएगा, और ये हो गया 19 गुणा, जोड़ दीजिए 7 का 7 ही रहेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 3 रहेगा, इनकी गुणा करके इसका आंसर लिखना है। इसकी गुणा करने पर 6973 आएगा जो कि इसका आंसर है। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो कि 3 के गुणज है। देखते हैं कैसे ये गुणज निकालते हैं हम लोग। तो 1 और 3 के, 3 का गुणज क्या होगा, पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा और लास्ट में जो है वो 99 आ जाएगा। यानी A का मान दिया हुआ है 3, D का मान निकालेंगे तो 6 माइनस 3 करके आ जाएगा यानी 3 आएगा, और जो लास्ट टर्म है TN या कहते हो L इसका, तो ये आपका 99 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, इनका योगफल निकालना है, SN निकालना है। तो इसमें पहले हमें N पता होना चाहिए, तब देखते हैं। TN का पहले सूत्र लगा दीजिए, TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN का मान कितना है 99 है, A का मान 3 है, प्लस N निकालना है, D का मान भी हमें पता है 3 है,
तो 99 माइनस 3 बराबर हो जाएगा n-1 × 3, ये घटा दीजिए तो 96 बच जाएगा और बटे में ये 3 आ जाएगा और n-1 हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और 3 2 6, तो n-1 बराबर कितना हो गया 32, तो n का मान हो गया 32 + 1 यानी के 33, तो n 33 हो गए। अब इसमें योगफल का सूत्र लगा दीजिए, Sn बराबर होता है n/2 और साथ में a+l, a+l इसलिए चूंकि दोनों हमें पता है, n का मान हो गया 33 और बटे 2 और a का मान कितना है 3 और l का मान है 99, तो कितना हो जाएगा 33/2, ये हो जाएगा 102, कटता है 2 से तो काट दीजिए, 2 5 10 और 2 1 2, अब ये आ जाएगा 33 × 51, 33 और 51 की गुणा करके आपको लिखना, गुणा करने पर 1683 आएगा जो कि आपका आंसर होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन सी शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होगी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और लास्ट में जो है विषम संख्या 49 होगी, इन सब का योगफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या है, ए बराबर 1 हो गया, डी का मान निकालेंगे 3-1 यानी 2 हो जाएगा और टी एन यानी अंतिम पद या इसको एल कह सकते हैं, ये 49 दिया हुआ है। योगफल बताना है, एस एन का मान निकालना है, जरा देखते हैं इसमें कैसे, एन का मान पता होना चाहिए, तो टी एन का सूत्र लगाएंगे, a+n-1 × d, टी एन का मान कितना है 49 बराबर ए का मान 1 है और एन निकालना है, एन माइनस वन हो गया, डी का मान 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 49-1 = n-1 × 2, तो ये बच गया 48 और बटे में 2 आ जाएगा, n-1 हो जाएगा, ये काटेंगे 2 2 4 2 4 8 हो जाएगा, तो n-1 = 24, तो n=24 + 1 यानी कि 25 हो गया, यानी 25 पद इसके अंदर होंगे। अब हमें एस एन का सूत्र लगाना है, एस एन का सूत्र होता है n/2 और a+l, क्योंकि अंतिम पद हमें पता है n है 25, तो 25/2, a का मान 1 है और ये 49 है, जरा देखते हैं कितना आ जाएगा 25/2 और ये 50 हो जाएगा, 50 को 2 से काटेंगे तो ये फिर 25 आ जाएगा, इसकी जब गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। उस समांतर श्रेणी के पहले 54 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14, यानी आपको t2 दिया हुआ है 14 और तीसरा पद दिया हुआ है 18 यानी t3 दिया हुआ है 18। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n बराबर 8 को 51 दिया है और Sn निकालने के लिए बोला गया है। चलिए बाकी देखते हैं, a वगैरह d वगैरह का निकालते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें d निकालना पड़ेगा, तो d बराबर होता है t3-t2, तो t3 कितना है 18 और माइनस का ये 14 यानी ये 7 आ गया डी। तो a+d का मान जो होता है वो t2 होता है, तो a आपको वो निकालना है और d का मान 7 है, t2 का मान 14 है, तो a बराबर हो जाएगा 14-7 यानी 7 हो जाएगा a का मान। अब a का मान आपको मिल चुका है और d का मान भी मिल चुका है, तो अब चाहिए हमें n भी मिल चुका है, तो Sn का योगफल लगा करके सूत्र निकाल सकते हैं आप। एस एन बराबर हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2a+n-1 × d, रख दीजिए इसमें एस एन के सूत्र में, तो एस एन एन का मान पता है हमें, एन का मान 51 है और बटे 2 हो जाएगा, 2a a का मान ये दिया हुआ है 7 प्लस n-1 और d का मान कितना दिया हुआ है ये भी 7 ही है। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 51/2 और ये हो जाएगा 7 × 14 और प्लस का एन का मान तो यहाँ रखा ही नहीं गया, देखो रखो भाई 51 है इसका एन का मान, यहाँ 51 रख दीजिए कोई बात नहीं, तो 51-1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और गुणा 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है, ये 51/2 और ये हो जाएगा 14 और प्लस का 5 × 35 350, तो ये हो गया 51/2, इसको जरा जोड़ लेते हैं तो 4 का 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 3 का 3 ही रहेगा, काट दीजिए 2 से
तो यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4। तो Sn का जो मान आ गया वो आ गया आपका 51 गुणा 182। अब इसका जो आंसर आएगा इन दोनों की गुणा करके हमें मिल जाएगा, इसका आंसर जो है 9282 होगा। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, यानी S7 का मान 49 दिया हुआ है, और 17 पदों का योगफल दे रखा है, यानी S17 पदों का योगफल दिया इन्होंने 289। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी Sn का मान ज्ञात करना है, यानी इनकी सहायता से हमें किसी तरीके से a और d के मान पता होने चाहिए। देखते हैं जरा क्या होता है। तो पहले इनका 7 पदों वाला सूत्र लगाएंगे, Sn का सूत्र तो यही लगाना पड़ेगा, n बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो n का मान 7 है तो 7/2, और ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर है 49। और ज़रा इसको सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 को उधर भेज देते हैं तो 2a प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, 6d बच जाएगा, यहाँ 49 गुणा 2/7 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 3d बच जाएगा, और बराबर 7 × 2 है, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो a प्लस 3d का मान जो है वो 7 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही दूसरे वाले में भी सूत्र लगाते हैं, 17 पदों वाला, तो 17 पदों वाले में 17/2 हो जाएगा और 2a हो जाएगा प्लस 17 - 1 इंटू डी हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 289। चलिए देखते हैं मान रख करके। अब ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ से बच जाएगा 16d बराबर 289 गुणा 2/17। 17 से काटेंगे तो ये 17 ही आएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 2 8 16 8d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 17 × 2, 2 से 2 ये भी कट जाएगा, और a प्लस 8d आ जाएगा, इसका मान 17 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जरा हल करते हैं। तो पहले दूसरी समीकरण है a प्लस 8d बराबर 17, और पहली समीकरण है आपकी a प्लस 3d बराबर 7, दोनों को घटा देते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये 5d बच जाएगा, और इधर से 10 बचेगा तो d का मान आ गया 10/5 यानी 2। d का मान 2 आ गया, d का मान किसी एक में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं इस वाले में, तो a प्लस 3 × 2 बराबर 7 हो गया, तो a का मान हो गया 7 - 6 यानी a बराबर 1। अब आपको a भी निकल गया है और d भी निकल गया है, तो Sn का सूत्र लगाना है सीधा सीधा, तो Sn बराबर हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n तो अपनी जगह ही रहेगा, 2a का मान 1 हो गया है प्लस n माइनस 1 d का मान जो अभी निकाला हमने वो 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों 2 कॉमन लेकर के इससे कट जाएगा, तो जो बचेगा n, और यहाँ बचा 1 + n - 1, 1 से 1 भी कट जाएगा, और इसका आंसर जो है वो n² आ जाएगा, ये इसका आंसर हुआ। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः ए बी और 2a दिए हुए हैं, देखते हैं जरा, प्रथम पद यानी t1 ये आपका a दिया हुआ है, और इसके बाद द्वितीय पद यानी t2 जो है वो दिया हुआ है b, और अंतिम पद यानी tn दिया हुआ है आपको 2a। तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का योगफल, योगफल को ये सिद्ध करके दिखाना, ये नहीं है, ये जो है आपका Sn के बराबर आना चाहिए, देखते हैं जरा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम d का मान निकाल लेते हैं, d का मान जो है वो t2 - t1 से निकल जाएगा, यानी b - a आ जाएगा, d का मान b - a आ गया। अब d निकल गया है, अब निकालना है हमें tn, यानी n किसी तरह से निकल जाए तो बात बन जाए, तो tn का सूत्र लगा लेते हैं, तो tn बराबर क्या होता है,
ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान 2 ए है, ए का तो मान ए ही है और एन हमें निकालना है, तो एन माइनस वन डी का मान अभी निकाला हमने, ये है बी माइनस ए। देखते हैं इसको इधर भेज दीजिए, तो ये तो 2 ए माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस वन, और इधर हो गया बी माइनस ए। चलिए यहाँ पर ए बच जाएगा और इधर बच्चा बैठेंगे इसको बटे में, तो बी माइनस ए बच जाएगा, बराबर हो गया एन माइनस वन। इससे हमें एन का मान निकालना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अपॉन बी माइनस वन प्लस का वन हो जाएगा, बी माइनस ए है इसका लघुत्तम लेंगे तो बी माइनस ए आ जाएगा। यहाँ ए प्लस बी माइनस ए आ गया, ए से ए कट गया, तो ये बचा बी बटे बी माइनस ए, ये एन का मान आ गया। अब हमें लगाना है सूत्र, अंतिम पद भी पता है, एस एन का सूत्र लगा दीजिए। एस एन का सूत्र होता है एन बाई टू और ए प्लस एल, एल का मान यही दिया हुआ है जो कि टू ए दिखाई दे रहा है, रख दीजिए मान। तो एन बाई टू, एन का मान ये दिया हुआ है बी अपॉन बी माइनस ए, और साथ में एल ए का मान तो ए ही है और एल का मान टू ए है, तो ये कुल मिलाकर के 3a हो गया। तो ये आपका आ गया, यहाँ पर 2 पहले से भी मौजूद है तो यहाँ 2 रहेगा ही, यहाँ 3a आ गया तो 3ab हो गया और नीचे आ गया 2b माइनस ए, और यही हमें सिद्ध करना था। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सबके। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 4n, तो इसका 15वां पद ज्ञात करना, यानी एस एन का मान दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 4n, और 15वां पद निकालना है यानी टी 15 का मान निकालना है। देखते हैं जरा क्या होगा। तो इसमें वास्तव में क्या है कि 15वां पद यानी टी 15 निकालने का एक शॉर्टकट भी है। हम इसमें क्या करें, यदि हम टी यानी एस 15 में से अगर हम एस 14 घटा दें तो निकल जाएगा हमारा 15वां पद। तो देखते हैं कैसे, इसमें एन बराबर 4 15 रख दीजिए, तो 15 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 गुणा 15 हो जाएगा, ये तो एक संख्या होगी एस 15, माइनस का एस 14 कैसे निकालेंगे, इसमें 14 रख दीजिए तो 14 का वर्ग प्लस 4 गुणा 14 आ जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग तो ये तो हो गया 225 और 15 चौक 60 माइनस, इसे देखते हैं ये आ जाएगा 196, 14 चौक 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5, जरा जोड़ देते हैं जरा, ये हो जाएगा 5 और 6 और 2 8 और ये 2 माइनस, इसको भी जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 5 15 और हासिल 1 1 और 1 2, घटा दीजिए इसमें से 5 में से 2 गया 3 बच जाएगा और 8 में से 5 गए तो 3 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, ये सीधे सीधे टी 15 निकल जाएगा। संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब एस 24 आपको ज्ञात करना है जिसका एनवा पद दिया हुआ है, यानी टी एन या ए एन एक ही मतलब है, 3 प्लस 2 एन। एन बराबर 1 रखिए इसमें, तो टी वन मिल जाएगा यानी पहला पद मिल जाएगा 3 प्लस 2 गुणा 1 यानी ये 5 हो जाएगा, ये ए हो गया। अब एन बराबर 2 रख दीजिए तो टी टू निकल जाएगा, टी टू हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणा 2 यानी 4 3 7 हो जाएगा, टी टू निकल जाएगा, इससे डी निकल जाएगा, डी बराबर हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, ये टी टू हो गया 7 और टी वन है 5, तो ये डी का मान आ गया 2। अब एन बराबर 24 दिया हुआ है तो योगफल का सूत्र लगा देते हैं, तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान 24 दिया हुआ है बटे 2 हो गया, 2a का मान कितना आया अभी 5 आया है, प्लस एन का मान फिर से 24 माइनस 1 और डी का मान अभी निकाला हमने, ये 2 है, तो ये 2 और ये 2 कॉमन आके इससे कट जाएगा, बाकी गुणा भाग हम देखते हैं कितना आएगा, 24 ये 5 हो गया प्लस यहाँ 23 बच जाएगा,
और 23 5 हो गया 28, तो एस एन का मान हो जाएगा 24 गुणा 28। अब इन दोनों की गुणा करने पर, अब इसकी गुणा करके जो है 672 आएगा और यही आपका आंसर होगा। किसी समांतर श्रेणी के पी में क्यू में अवलोपनों का योगफल ए बी सी तो सिद्ध कीजिए, ये देना है हमें। चलिए दे रखा है, मैं पी में पदों का योगफल ए दे रखा है, यानी एस पी का मान ए दिया हुआ है, एस क्यू का मान बी दिया हुआ है और एस आर का मान सी दिया हुआ है, तो ये सिद्ध करना है। चलिए पहले एस एन का सूत्र लगाते हैं। एस एन का सूत्र होता है एन बाई टू टू ए, ए की जगह आप कैपिटल कर दीजिए, प्लस एन माइनस वन और डी की जगह भी कैपिटल कर दीजिए, जिससे देखने में आसानी रहेगी क्या हुआ। तो पहले पी वे पद का है, तो ये आ जाएगा पी अपॉन टू, टू ए है सो टू ए, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी बराबर ए दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको ए अपॉन पी, इसको पी को इधर ले जाइए, इसको 1/2 को अंदर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2a/2, यानी 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1/2 पी माइनस वन इंटू डी बराबर ए बटे पी, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार बाकी समीकरणों को लिख लीजिए, तो इसी प्रकार मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/2 पी की जगह आर हो जाएगा, आर पी क्यू आएगा यहाँ पे, क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर यहाँ बी अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। ऐसे ही तीसरी के लिए ए प्लस 1/2 हो जाएगा, आर माइनस वन हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा बराबर यहाँ पे सी बटे आर हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब करना क्या है, समीकरण 1 में क्यू माइनस आर से गुणा करना है, समीकरण 2 में आर माइनस पी से गुणा करना है, और समीकरण 3 में पी माइनस क्यू से गुणा करके सबको जोड़ना है। चलो देखते हैं, जो गुणा करेंगे तो पहले हम राइट हैंड साइड वाले एक तरफ लिखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड बाद में लिख लेंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, तो पहले राइट हैंड साइड ए बटा पी हो जाएगा और कितना आएगा क्यू माइनस आर, फिर प्लस बी बटा क्यू हो जाएगा और यहाँ पर आर माइनस पी हो जाएगा, फिर प्लस सी बटे आर हो जाएगा और यहाँ पी माइनस क्यू हो जाएगा, बराबर में देखते हैं क्या आएगा। बराबर में इसमें पहले वाले में क्यू माइनस आर की गुणा हुई है, तो क्यू माइनस आर लिख लीजिए और पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए यहाँ पे, ए प्लस 1/2 क्यू माइनस वन और कैपिटल डी, प्लस दूसरे में आर माइनस पी से गुणा करी थी अपने, ये हो जाएगा ए प्लस 1/2 क्यू, पहले में पी माइनस वन था ये, सॉरी पी माइनस वन, इस वाले में क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा और लास्ट वाला जो बचा है वो पी माइनस क्यू से गुणा हो रही है, पी माइनस क्यू, और ये आ जाएगा ए प्लस 1/2 आर माइनस वन इंटू कैपिटल डी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही है सेम, इसको तो लिखना चाहो लिख लो, चाहे ना लिखना चाहो तो भी लिख लो। चलिए ए है अपॉन पी और यहाँ पर कितना है क्यू माइनस आर, प्लस बी अपॉन क्यू है यहाँ पे आर माइनस पी है, प्लस सी अपॉन आर है और यहाँ पर पी माइनस क्यू है, बाकी हम यहाँ लिखेंगे सारा कुछ। तो ध्यान से देखिए, इसमें सब में पहले ए से गुणा करेंगे, उस ए को कॉमन ले लेंगे, तो ए जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या क्या, पहले वाले में से ये क्यू माइनस आर, फिर इसमें से आर माइनस पी, फिर पी माइनस क्यू, तो लिख लेते हैं क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये सारे आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से, तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो हर एक में 1/2 और डी आ रहा है, तो हर एक में से 1/2 डी कॉमन ले लेते हैं, 1/2 डी कॉमन ले लिया हमने, तो जो बचता है उसको लिख लेते हैं पहले एक एक करके, क्यू माइनस आर बचा है और इसमें जो बचा है वास्तव में अंदर पी माइनस वन बचा है, चलिए पी माइनस वन प्लस, और अगले में क्या बचा है, अगले में आर माइनस पी है, तो आर माइनस पी है तो यहाँ क्यू माइनस वन बचा
और लास्ट बचा हुआ है पी माइनस क्यू, तो इसमें से आर माइनस वन बचा है। तो यहाँ ऊपर जो है वो ए इंटू जीरो हो चुका है प्लस एक बटा दो कैपिटल डी। अब इसमें से अंदर गुणा करनी, जरा गुणा करें, बहुत संभाल के करनी पड़ेगी। पहले क्यू और पी की गुणा करनी है, तो पी क्यू हो गया, फिर क्यू की माइनस वन से तो माइनस क्यू हो जाएगा, आर की करेंगे तो माइनस का पी आर हो जाएगा, और इसकी माइनस से करेंगे तो प्लस का आर हो जाएगा। ऐसे इस आर की गुणा करिए इससे, तो आर क्यू हो जाएगा प्लस का आर क्यू, इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का आर आ जाएगा, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो पी क्यू आएगा माइनस का, और प्लस पी हो जाएगा। चलिए ये और बचा हुआ है, इसकी भी गुणा कर लेते हैं। प्लस का पी आर हो जाएगा और माइनस का पी हो जाएगा, माइनस का क्यू आर हो जाएगा, और प्लस का क्यू हो जाएगा। इसमें भी सारे के सारे कट जाएंगे, जैसे पी क्यू है, ध्यान से देखो इसमें कहीं पी क्यू होगा, ये रहा पी क्यू कट जाएगा। इसके बाद आर क्यू है, तो आर क्यू और ये दोनों कट जाएंगे। पी आर है, पी आर ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे ही क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, और इस पी से पी भी कट जाएगा, ये रहा पी। सारे कट गए आपके, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस जीरो, यानी सारा का सारा जीरो, और इसी को सिद्ध करना था। तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा, s1, s2 और s3। प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद a है, यानी कि a जो है आपका सब में वन यूज करेंगे, और सारवंतर अलग अलग है। d1 का मान वन है, और d2 का मान टू है, और d3 का मान थ्री है। तो सिद्ध कीजिए ये मान। तो पहले हम sn का सूत्र लिख लेते हैं। sn का सूत्र होता है n बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए रख लेते हैं, प्रत्येक में एस वन का पहले मान लेते हैं। एस वन बराबर हो जाएगा एन बाई टू है, और टू इंटू ए का मान वन है, और एन पता नहीं है, एन माइनस वन है, डी का मान लेकिन एक है। सॉल्व कर लेते हैं जरा इसे, एन बाई टू हो जाएगा, यहाँ टू प्लस एन माइनस वन ही रहेगा, कुल मिलाकर के एन बाई टू, ये एन प्लस वन बच जाएगा। ये तो आपका एस वन आ गया। ऐसे ही एस टू निकाल लेते हैं, एस टू इसमें भी पदों की संख्या एन ही है, तो एन बाई टू हो जाएगा, टू इंटू वन होगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान लेकिन दो दिया हुआ है, दो रख लेते हैं। ये दो कॉमन लेकर के इससे कट जाएगा, तो ये बच गया एन, और ये वन प्लस एन माइनस वन बच गया, जो कि एन से वन कट जाएगा, और ये एन स्क्वायर हो जाएगा एस टू। चलिए अब एस थ्री वाले केस में देखते हैं। तो एस थ्री जब निकालेंगे तो सूत्र वही रहेगा, लेकिन n बाई टू टू ए, ए का मान तो एक ही है, प्लस n माइनस वन, डी का मान बदल जाएगा, तीन है दिया हुआ आपकी, ये दिया हुआ डी का मान। तो ये आपका आ जाएगा n बाई टू, और यहाँ टू प्लस थ्री एन माइनस थ्री, तो ये आपका आ गया n बाई टू, ये कितना हो गया, थ्री एन माइनस वन हो गया, ये s थ्री आ गया। निकालना क्या है अब, एस वन प्लस एस टू का मान निकाल लेते हैं। एस वन प्लस एस थ्री का मान निकालिए, एस वन प्लस एस थ्री का मान, एस वन जोड़ लेते हैं, ये रहा एन बाई टू, एन बाई टू है और एन प्लस वन है, प्लस एस थ्री का मान है एन बाई टू, और ये है थ्री एन माइनस वन। तो सब में से देखो एन बाई टू तो कॉमन आ जाएगा, और जो बचेगा उसको लिख देते हैं, एन प्लस वन है प्लस थ्री एन माइनस वन बचा, ये वन से वन कट जाएगा, और ये तीन और एक चार हो जाएगा, यानी फोर एन स्क्वायर बटे दो हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा, यानी हो गए टू एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर किसका मान है, एस टू का मान है। इसका मतलब ये सारा का सारा मान जो है वो किसके बराबर हो गया, टू एस टू के बराबर, यानी एस वन प्लस एस थ्री का मान ये सिद्ध हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n, 3n पदों का योगफल s1, s2, s3 है तो ये सिद्ध करना है। तो पहले हम एक एक का सूत्र लेना चालू करेंगे। s1 का जो s सूत्र होता है sn का, n बाई टू होता है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो चलते हैं हम एक एक सूत्र की तरफ, पहले हम s1 निकाल लेते हैं। s1 जो है n पदों का योगफल है, तो n बाई टू ही रहेगा, और ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं लेंगे। लेकिन जब एस टू लेंगे तो यहाँ टू एन बाई टू हो जाएगा, टू ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ टू एन माइनस वन हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा।
ऐसी एस थ्री के केस में लेंगे तो 3n/2 हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ 3n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब करना क्या है, एस टू में से एस वन को घटाना है। जरा देखते हैं, इसका राइट हैंड साइड का मान लेना चाह रहे हैं 3 है, और एस टू माइनस एस वन का मान निकालना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 3 हो गया, और एस टू का मान रख लेते हैं, एस टू का मान 2n/2 है, तो रखते हैं 2n/2, और ट्वाइस ए प्लस 2n-1 इंटू डी, और माइनस का ये हो जाएगा, तो माइनस इसमें लगा दीजिए, माइनस का एस वन है, एस वन ऊपर वाला लिखा हुआ है, तो ये n/2 हो जाएगा, और कितना है, 2a है प्लस n-1 है इंटू डी है, ये दिया हुआ है आपका एस वन, दोनों मान हमने धर दिए हैं। अब इन दोनों को घटाने का प्रयास करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसमें n/2 और n/2 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो ये बाहर तो 3 है और n/2 हमने कॉमन ले लिया, देखते हैं क्या बचता है। अब यहाँ से 2 बच जाएगा, और 2 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये 4a हो जाएगा, प्लस 2 की और अंदर गुणा कर दीजिए, 4n-2 हो जाएगा, और इसके साथ लेकिन d है दिया हुआ, d भी रहने दीजिए, माइनस ऐसे ही यहाँ पर तो एक ही बचा है, तो सीधा साधा बचा रहेगा, यानी 2a हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा n-1 और इंटू डी रहेगा, तो इतना बच जाएगा, देखते हैं आगे क्या बचता है। ये हो गया 3n/2, अब यहाँ 4a है और 2a है, तो कितना बच जाएगा, 2a बच जाएगा, इसमें से d कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, 4n-2 माइनस एन प्लस वन, ये d हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बच जाएगा, ये 3n/2 बच जाएगा, और ये बचा आपका ट्वाइस ए प्लस, ये देखो ध्यान से, ये 3n-1 बच गया और इंटू डी। जरा ध्यान से देखो, ये 3n/2 ये पूरा का पूरा जो है एस थ्री के बराबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह पे पूरी की जगह एस थ्री लिख सकते हैं, इसका मतलब 3s2-s1 बराबर एस थ्री आ जाएगा, यानी कि ये ही आपका सिद्ध करना था। टेलीविजन बनाने वाली कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन, मतलब ये T3 दिया हुआ है 600, और सातवें वर्ष में 700 यानी T7 दिया हुआ है 700 टेलीविजन बनाती है, यह मानते हुए प्रत्येक वर्ष बनाने में टेलीविजन के एक समान रूप से बनते हैं, तो प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या यानी A बताना है आपको, और 9 वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या यानी T9 बताना है, और 7 वर्षों में बनाए गए कुल योगफल यानी S7 बताना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो जाता है, ये होगा इसमें सबसे पहले हम An का सूत्र लगा देंगे यानी TN का सूत्र लगाएंगे, तो TN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी, तो TN पहले हम T3 वाला लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा A का मान तो ऐसे रहने दीजिए, प्लस एन का मान 3-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ये ए प्लस 2d बराबर 600 हो गया, ये समीकरण नंबर एक हो गई। ठीक इसी प्रकार दूसरी समीकरण भी बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा ए प्लस 7-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, तो ए प्लस 6d बराबर 700, ये समीकरण नंबर दो आ गई। समीकरण एक और दो को हल करना है, जरा हल कर लेते हैं, समीकरण एक व दो को हल करने पर a का मान है a प्लस 6d यानी ये 700 है, और एक का मान है a प्लस 2d बराबर 600। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, ये घटाते ही तुरंत कट जाएगा, और 6 में से 2 गए 4 बच जाएगा, यानी 4d बच जाएगा यहाँ पर, और 4d के बाद क्या बचेगा, यहाँ से 100 बच जाएगा, बराबर 100 बच गया, तो D का मान जो आ जाएगा 100/2 4 यानी 25 आ जाएगा ये, तो D का मान हो गया हमारे पास 25। अब D का मान जो है किसी एक में रख दीजिए, तो D का मान तो हम किस में रख दें, इस समीकरण नंबर एक में रख दीजिए, तो D का मान देखिए क्या आता है, तो
ए प्लस दो गुणा डी का मान कितना है? 25 बराबर 600। तो ए प्लस 50 बराबर 600, तो ए बराबर हो जाएगा 600 माइनस 50 यानी 550। ये पहले वाले का आंसर है, प्रथम वर्ष में बनाया गया, यानी ए का आंसर ये हो गया, यानी फर्स्ट आंसर आया आपका। ऐसे ही 9 वर्ष में बनाया गया टेलीविजनों की संख्या, यानी T9 का मान निकालना है। तो इसमें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में रख दीजिए। ए का मान कितना आया आपका? 550 आ गया, और एन जो है कितना है? 9 वर्षों में बनाना है, तो 9 माइनस 1, और डी का मान जो आया है कितना आया आपका? 25 आया है, तो ये 25 हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं जरा, ये 550 और प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 8 गुणा 25, 25 रटे 200, तो 550 प्लस 200 ये हो जाएगा 750। एक आंसर ये भी आ गया। ऐसे ही पूछा है 7 वर्षों में कुल टेलीविजनों की संख्या, यानी कि S7 पूछा है, तो SN वाले में रख देंगे, N बाई 2 हो जाएगा, और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो हमें निकालना है S7, तो ये हो जाएगा 7 बाई 2। 2A का मान हमें पता है 550, प्लस N का मान पता है हमें 7 माइनस 1, और D का मान है 25। देखते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2, इस किससे गुणा कर दीजिए, तो 0 2 5 10, और 2 5 10 और 1 11 हो जाएगा, और प्लस का ये 7 माइनस 1 यानी 6 बचेगा, और 6 गुणा 25, तो ये बच गया आपका। 2 से काट भी दीजिए करना चाहो तो, चलो कोई बात नहीं, 7/2 हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका 1100 प्लस 25 छंग 150, 150, तो ये आ जाएगा 7/2 गुणा, इसको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 1250, और काट दीजिए इसको, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 625 की 7 से गुणा कर देंगे, 7 5 35, 35 हासिल 3, और 7 दूनी 14, और 3 17 हासिल 1 हो जाएगा, और 7 छिंग 42, और 1 43, इतने टेलीविजन बनेंगे कुल, और ये आंसर हो जाएगा। एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है, जिसमें एक निश्चित तिथि का पूरा करना है, निश्चित तिथि में विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान है। पहले दिन से जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, इस तरह से उनको जुर्माना देना है, और 200 से स्टार्ट हुआ, यानी पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, ऐसे चलता जाएगा, और 30 दिन तक चला है ये, 30 दिन दिया हुआ है। कुल कितना जुर्माना देना होगा, तीसरे दिन कौन सा देना है, यानी कि S30 बताना है एक तो, और T30 भी बताना है। चलिए देखते हैं, इसमें A का मान तो दिया हुआ है 200, D का मान निकाल लेते हैं, 250 माइनस 200 यानी 50 रुपये, इसका D हो गया, और N का मान जो दिया हुआ है वो है 30, तो पहले TN का ही सूत्र लगा लेते हैं, TN बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान है 200, और एन का मान कितना है? 30 है, माइनस 1 हो गया, और डी का मान है 50। अब ये हो जाएगा 200 प्लस 29 बचा, और गुणा 50, गुणा कर लेते हैं भाई जरा कितना आएगा, 0 हो गया, 5 ने 45 को 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, और 4 14, तो ये आ जाएगा 1650, यानी ये TN आ गया, इसी को हम L भी बोलते हैं, और ये एक आंसर आ गया, कितने रुपए। अब निकालना है SN, SN बराबर होता है N बाई 2 और A प्लस L। चलिए N तो है 30/2, A का मान कितना है 200, और लास्ट में जो निकाला है 1650, तो कर लेते हैं इसे, ये 30/2 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1850। चलिए देखते हैं इसको काट पिट करके, 2 से काटिए, 2 ने 18, और 2 दूनी 4, 2 5 10, और 30 किसकी गुणा कर दीजिए, तो 30 गुणा 9 2 5, तो 1 तो 0 आ जाएगा, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 9 27, इतने रुपए से कुल देने पड़ेंगे, और ये आंसर होगा।
विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार रखे, यानी एन का मान जो है वो 7 रखे गए हैं, और पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, यानी एस एन का मान 700 रुपए है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले आने वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है, यानी डी का मान जो है वो माइनस का 10 कर दिया गया, कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है, यानी 7 पुरस्कार निकालने हैं। चलिए एन के मान सारे निकालेंगे, तो ए और डी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एस एन का सूत्र लगा लेते हैं। एस एन बराबर होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन दिया हुआ है 700, एन बाई टू यानी 7/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन यानी 7 माइनस वन, और डी का मान जो है वो -10 है। चलिए हल करते हैं कितना आएगा, ये इधर ले जाते हैं तो 700 गुणा 2/7 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ 6 बचेगा और माइनस का 60 हो जाएगा ये। अब ये काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। तो 200 बराबर 2a माइनस 60, तो 2a बराबर हो जाएगा 200 और प्लस का 60, यानी 2a बराबर 260, यानी a बराबर 260/2 और कट के ये 130 आ जाए, यानी a का मान 130 आ गया। अब सारे पुरस्कार निकल जाएंगे, प्रथम पुरस्कार निकालते हैं। प्रथम जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 130 रुपये, पहला आंसर हो गया। द्वितीय में देखते हैं, द्वितीय में क्या करेंगे, 130 में से 10 घटा देंगे यानी 120 हो जाएगा। तृतीय में देखते हैं, तृतीय में कितना हो जाएगा, 120 माइनस 10 होगा यानी 110 हो जाएगा। चतुर्थ में, चतुर्थ में 110 माइनस 10 यानी कि ये 100 हो जाएगा, और पंचम में ये हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 90 हो जाएगा। षष्ठम में ये आ जाएगा 90 माइनस 10 यानी के 80 हो जाएगा, और सप्तम, सप्तम में हो जाएगा 80 माइनस 10 यानी के 70 रुपये। प्रत्येक को जो है इतनी राशि मिलेगी, यानी ये सारा विवरण आंसर के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। 200 लट्टों को इस प्रकार जमाया, यानी 200 हैं कुल, ये एसएन दिया हुआ है आपको 200 लट्टे कुल हैं। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे हैं पहले, फिर उसके ऊपर 19 हैं, यानी जो क्रम चल रहा, पहले 20 का चल रहा, फिर 19 का चल रहा, फिर 18 का चल रहा, ऐसे करके इन्होंने रखे हैं। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने बताए हैं रखा हुआ है, यानी टी एन आपको ज्ञात करना है। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, यानी एन का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए का मान देख लेते हैं, ए का मान 20 है, डी का मान जो है वो 19 माइनस 20 यानी के माइनस का 1 हो गया डी। अब हम सूत्र लगाना चालू करेंगे एस एन का। तो चलिए एस एन बराबर होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए है। तो ये दिया हुआ है 200, और एन का मान तो अभी निकालना है। टू ए, ए का मान कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन डी का मान हमारे पास माइनस का 1 है, तो माइनस 1 यहाँ लिख लीजिए। अब 2 इधर आ जाएगा तो ये तो 400 हो जाएगा बराबर एन हो जाएगा, ये 20 दुनी 40 हो गया, और माइनस का एन हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 400 बराबर ये हो गया एन, ये 41 माइनस एन हो जाएगा, अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर। अब इसको सही कर लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस का 400 बराबर 0। इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, अब इसके फैक्टर करेंगे, ये 16 और 25 आ जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 41 हो जाएगा, और प्लस का ये 400 बराबर 0। अब इसके अंदर गुणा कर देते हैं तो ये एन स्क्वायर माइनस का 16 एन हो जाएगा,
और माइनस का 25n और प्लस का 400 बराबर 0। n कॉमन ले लिया तो n माइनस 16 हो जाएगा, और माइनस का 25 कॉमन लेंगे तब भी n माइनस 16 बचेगा बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा n माइनस 16 और दूसरी बार हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। n माइनस 16 बराबर 0 लेते हैं जब, तो n का मान 16 आ जाएगा, और एक बार जब है n माइनस 25 लेंगे 0 तो n का मान 25 होगा। इसमें ये वाला आंसर सही होगा, यानी n जो है वो 16 आ जाएंगे, इन 16 ही पंक्तियों में रखे जाएंगे। इसके बाद अब क्या बताना है, लास्ट वाली पंक्ति में कितने रहेगा, यानी tn का मान निकालना है, यानी tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ए का मान कितना है हमारे पास, 20 है, प्लस एन का मान अभी 16 निकाला है, 16 माइनस 1, और डी का मान माइनस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 15 बच जाएगा, तो ये बराबर कितना बचा, 5, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी लास्ट वाले में 5 ही रहेंगे केवल। एक आलू दौड़ में प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, इससे 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू, यानी पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर, फिर ऐसे ही 3-3 मीटर की दूरी पर रखना चालू कर दिए हैं, ये 3 मीटर की दूरी पर। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और अपने निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। ऐसा वह तब तक करती है जब तक वह सभी आलुओं को बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतिभागी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, देखते हैं जरा। 10 आलू रखे हुए हैं तो एस एन निकालना, ये तो तय हो गया। अब इसमें पहले जो चलेगी वो 5 चलेगी और दुगनी चलेगी उसकी, अगले में 5 + 3 हो जाएंगे 8 हो जाएगी, लेकिन उसका दुगना चलेगी, और ऐसे ही चलता रहेगा 5 + 3 फिर + 3 और उसका दुगना चलेगी, और कहाँ तक लेना है, ये 10 तक लेना है। 10 आलू रखे हैं तो 10 तक, एन का मान 10 हो गया, ये एन हो गया। अब इसको देखते हैं क्या सूत्र हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा प्लस 5 + 3 = 8 और 2 × 16 हो जाएगा, और ये 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11 × 22 हो जाएगा, और ये प्लस चलेगा 10 तक रहेगा, ये जरा देखते हैं क्या है। ये 6-6 का अंतर हो गया, यानी ए का मान जो है वो 10 आ गया, डी का मान 16 माइनस 10 हो गया, यानी 6 आ जाएगा, और n का मान आपका 10 आ गया। तो योगफल का सूत्र लगा दीजिए, एस एन बराबर एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ये। तो n का मान तो हो गया 10, तो 10/2 हो गया, 2a का मान कितना था इसमें, 10 था, n का मान भी 10 ही है, माइनस 1, और d का मान कितना है, 6, ये 6 इसमें रख दिया गया, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा ये। अब बाकी इसको सॉल्व करते हैं तो 5 हो जाएगा 10 × 2 = 20 प्लस ये बचा 9 × 9 = 54। तो एस एन का मान निकालना बाकी रह गया है, तो ये 5 हो गया यहाँ पे, गुणा 54 और 20, ये कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, तो ये 74 हो गया, इसकी गुणा कर दीजिए 5 + 20 और 5 × 7 = 35 और 2 × 37 370 मीटर की दूरी उसे चलनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।